रात का 12 बज चुका है। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स अर्पिता। सो आज मैं बना रही हूँ व्लॉग। सो एक्चुअली मुझे सुबह से व्लॉग बनाना था, लेकिन अभी बज चुका है 4:04 PM एंड आई जस्ट टुक अ शावर एंड आई थॉट ऑफ डूइंग अ व्लॉग, क्योंकि एक्चुअली मैं सुबह से बनाने वाली थी, लेकिन कल रात को जो है ना मैं 3 बजे सोई हूँ एंड यू वोंट बिलीव बट मैं 12 बजे उठी हूँ आज। सो उसके बाद ही मैंने खाना बनाना स्टार्ट करा एंड आज मुझे बहुत सारे चीज़ें बनानी थी एंड बहुत सारे आइटम्स बनाने थे, क्योंकि जब हम यहाँ पे आए थे इनके कुछ फ्रेंड्स लाइक टिफिन्स भर भर के हमें खाने दिए थे, और क्योंकि हम क्वारंटाइन में थे इसलिए मैं कुछ बना के नहीं दे रही थी, लेकिन फाइनली टुडे आई थॉट कि मैं बनाती हूँ कुछ और उन लोगों को देती हूँ। सो यस, आई मेड सम थिंग्स एंड ऑलरेडी टिफिन वगैरह हम दे चुके हैं एंड मैं अभी लंच नहीं करी हूँ, लाइक अब तक मैंने लंच नहीं करी है। अभी जस्ट मैं शावर लेके आई हूँ एंड अभी मैं लंच करूँगी। सो हियर वी गो, आज मैंने बनाई थी फ्राइड राइस एंड शाही पनीर, कुछ रायता, ये भिंडी की सब्जी एंड दाल, इसमें कुछ क्रीम वगैरह डाल के, मतलब पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, लेकिन कुछ तो डाल के साथ मैंने बनाई है। सो यस, ये बनाई थी मैं आज। ओके गाइस, एक्चुअली मैं बीच में कम्प्लीटली भूल गई कि मुझे व्लॉग को कंटिन्यू करना है। खा के पी के मैं सो गई थी एंड आई वोक अप एट 9, रात के 9 बजे मैं उठी एंड उसके बाद मैं बाहर गई थी थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह करने के लिए एंड अभी 10:30 बज चुका है। अभी मैं जाने वाली हूँ फिल्म करने के लिए, लाइक एक कोलैब वीडियो है जिसका फिल्म मुझे आज रात को ही कंप्लीट करना है, क्योंकि कल इसका वीडियो मुझे अपलोड करना है। सो आज दिन भर मैं बहुत ही बिजी रही इसलिए वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन रात को तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी रिंग लाइट है तो मुझे कुछ प्रॉब्लम एज सच नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं घर के मतलब रात को भी मैं शूट कर सकती हूँ। सो अभी मैं उसी के लिए जाऊँगी, लाइक थोड़ा सा मेकअप वगैरह लेके, लाइक उन्होंने बोला है कि बहुत ही लाइट मेकअप लेना है। यस, कुछ कुछ कोलैब्स में ऐसा होता है कि ब्रांड वाले जो है आपको बोलते हैं कि आपको कितना मेकअप भी करना है। ओके, सो बेसिकली दिस इज माई फिल्मिंग एरिया, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी रिंग लाइट एंड यहाँ पे इस तरीके से कैमरा सेटअप करी हुई है एंड यहाँ पे मैंने मिरर रखी हुई है। इट्स अ स्मॉल बेड जिसके ऊपर बैठती हूँ मैं, लाइक फिल्मिंग वगैरह के लिए, नहीं तो यहाँ पे बैठ के मैं मेकअप वगैरह करती हूँ। सो यहाँ पे बैठ के मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करती हूँ। कैन सी मेरा लैपटॉप एंड मेरे जो प्लानर वगैरह है वो सब कुछ यहीं पे है, लेकिन अभी के लिए मैं लैपटॉप यहाँ से हटा दूँगी क्योंकि अभी मैं यहाँ पे मेकअप लेने वाली हूँ। यस, सो मैं ज़्यादा कुछ हैवी मेकअप नहीं करूँगी, आज आई टोल्ड यू। सो आराम का आवाज़ आ रहा है क्योंकि वो अभी तक नहीं सोया है। सो वो सो जाएगा, उसके बाद ही मैं वीडियो शूट करूँगी, मतलब वो अभी सो जाएगा क्योंकि नहीं तो उसका आवाज़ फिर आता है वीडियो में। सो या एंड आई फॉरगॉट टू शो यू दैट यहाँ पे आके आई हैव स्टार्टेड गेटिंग पिंपल्स। सो गाइज, आई डिड माई मेकअप राइट नाउ एंड इट इज सो सिंपल, मैंने कुछ भी आईज पे नहीं लगाई है। सो आई वॉन्टेड टू टेल यू, मैंने मुझे बहुत लोग बोले हैं कि आप जो है आईब्राउज डिफरेंट डिफरेंट करते हो दोनों आईज पे। सो नो, मैं दोनों आईज पे डिफरेंट डिफरेंट नहीं करती हूँ, मेरी आईब्राउज ही उस तरीके की है। यू कैन सी यहाँ का जो आईब्राउ है थोड़ा सा ऊपर है और यहाँ का आईब्राउ जो है थोड़ा सा नीचे है। सो मेरी नेचुरल आईब्राउज ही उसी तरीके की है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उसे ओवर पेंट नहीं कर सकती हूँ। सो मैं उसके ऊपर उस तरीके से ही लगाती हूँ, सो आई कांट डू एनीथिंग। तो यस, सो कैन यू सी गाइस, आज मैंने एक ऑरेंज, कैन यू सी, मैंने आज एक ऑरेंज शेड अप्लाई करी हुई है लिप्स पे। इट इज़ मेबेलिन का लिप क्रेयॉन एंड इट इज़ लुकिंग समथिंग डिफरेंट, लाइक मुझ पे ये बहुत ही ब्राइट एंड आई डोंट नो, मेरी स्किन टोन को वॉश आउट कर रहा है, लेकिन मुझे कम्फर्ट जोन से निकलना था एंड आई थिंक मुझे ट्राई करना चाहिए। सो लेट्स सी, कैन यू सी, ओके सो इट्स 12:07, रात का 12 बज चुका है। हे एवरीवन, सो इट इज़ अ नेज डे, कल रात को आप लोगों ने मुझे देखा होगा फिल्म करते हुए वीडियो बहुत लेट नाइट पे एंड वीडियो शूट करके मैं सो गई थी एंड सुबह जब उठी आई सो आई गॉट माई पीरियड्स।
माय गॉड, मेरी हालत जो है एकदम टाइट है. आप लोग लिटरली मेरे फेस पे देख ही सकते हो, पिंपल्स एंड ऑल. सो ये हमेशा मेरे साथ होता है हर पीरियड्स में. एंड यस, मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ. लाइक आज मैंने कुछ भी काम नहीं करी है. आज दुर्गाष्टमी है, पहले तो वहाँ पे दुर्गाष्टमी. आप बहुत लेट देखोगे ये व्लॉग, लेकिन यस आज दुर्गाष्टमी है. एंड मैंने बहुत कुछ प्लान किया था, लाइक आज मैं न्यू ड्रेस पहनूंगी, ये करूँगी, वो करूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया उस हिसाब से. मैं आज सुबह उठी एंड कुछ भी नहीं की लिटरली. एंड मेरे हस्बैंड कुछ बनाए थे. लाइक कुकिंग जो है मेरी इम्पोर्टेंट है सबसे मेरे रूटीन पे. कुकिंग तो बनता ही है, लेकिन मैंने आज कुकिंग भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करी आज. तो मेरे हस्बैंड कुछ बनाए थे मेरे लिए, वो मैंने खाई है. एंड कुछ नींबू पानी वगैरह अभी मुझे दे के फील्ड पे गए हैं और मैं पी के जस्ट एडिटिंग वगैरह कर रही थी. थोड़ा सा अच्छा फील हुआ तो मैंने सोचा कि चलो मैं ब्लॉग को भी कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि आज दिन भर मैंने कुछ भी शूट नहीं करी थी. सो यस, मैं बिल्कुल भी ऐसे बैठ के रह जाती हूँ ना एक भी दिन, तो मुझे लगता है कि मैं एकदम वेली हूँ. सो मैं कोई भी दिन नहीं छोड़ती हूँ, कुछ ना कुछ तो हर दिन आइधर मैं एडिटिंग करती हूँ, नहीं तो मैं फिल्म करती हूँ. मैं कोई भी दिन नहीं छोड़ती हूँ. सो यस, अयान अभी सो रहा है, मेरे हस्बैंड अभी फील्ड पे गए हैं. एंड ये कुकिंग वाला वीडियो जो है मैं अभी एडिट कर रही हूँ ताकि मैं कल अपलोड करूँ. सो अभी का अपडेट ये है कि आज रात को हो सकता है कि मैं कुछ बनाऊँ या फिर कुछ करूँ, आई डोंट नो. वो कम्प्लीटली मेरे बॉडी एंड मेरे मेंटल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है. अगर मुझे अच्छा फील हुआ तो मैं कुछ बनाऊंगी, नहीं तो आई डोंट नो. मेरे हस्बैंड भी कुछ बनाएंगे, खा लेंगे कुछ भी, क्योंकि उनको इतना अच्छा जो है कुकिंग वगैरह नहीं आता है, लेकिन फॉर इमरजेंसी केसेस वो कुछ बना लेते हैं. सो यस, देखेंगे रात को. एंड यस, तो कल दसवीं है, तो देखते हैं, हो सकता है कि कल मैं न्यू ड्रेसेस वगैरह पहनूं, क्योंकि मैं ब्लॉग को कंटिन्यू रखूंगी तो आप लोग देख पाओगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कल मैं क्या करूंगी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अब से बताना नहीं चाहती हूं बिल्कुल, क्योंकि पता नहीं कल कुछ भी हो जाए. सो यस, मैं आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था मुझे. सो मैं जा ही रही थी खाने के लिए एंड अयान जो है उठ गया एंड अभी हंस रहा है. मैं ट्राई कर रही हूँ कि उसे सुला दूँ, लेकिन आई डोंट थिंक ये सोएगा. अभी सोएगा हाँ? नहीं सोएगा अभी वो. मैं सोच रही हूँ इसको यहीं पे लेटा के फिर मैं खा लेती हूँ थोड़ा सा आइसक्रीम. हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग. एक्चुअली 11 बज चुका है, इट इज़ द नेक्स्ट डे, यानी कि आज है दशहरा. पहले तो हैप्पी दशहरा. तो रात को हम 4:30 बजे सोए, रात तो नहीं वो सुबह ही है, सुबह 4:30 बजे हम दोनों सोए. लाइक आयाम पता नहीं क्यों नहीं सो रहा था, वो रो नहीं रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, बस खेल रहा था. पता नहीं उसको नींद क्यों नहीं आ रहा था. सो उसकी वजह से हमने 4:30 बजे लाइक हम दोनों सोए. एंड ये सुबह उठ के काम में गए हैं बाहर कुछ सामान लाने के लिए, क्योंकि आज है दशहरा, तो मैं घर पे कुछ बनाऊंगी, जस्ट लाइक खीर एंड थोड़ा सा मिठाई वगैरह वो लाएंगे घर पे, क्योंकि मुझे देना है अभी ये आसपास एक दो फैमिलीज़ को देना है. मतलब यहाँ पे ऐसा चलता रहता है, मतलब एक दूसरे को देना अच्छा लगता है फेस्टिव सीजन्स पे. सो वही होने वाला है आज. एंड उसके साथ मैं आज बिरयानी बनाने वाली हूँ. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज होने वाला है वो है वॉल पे आज जो है फोटोज़ लगेंगे. लेट मी शो यू, यहाँ पे मैंने सारा फोटोज़ रखी हुई है. लाइक बहुत सारे मेमोरीज भी है इसमें. आप देख सकते हो वॉल पे जो है कुछ भी नहीं है, एकदम खाली है वॉल. तो ऑब्वियसली आज जो है मैंने बुलाई है उनको. ओके गाइस, फोटोज़ बहुत गंदे हैं, इनको क्लीन करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत दिनों से इस तरीके से थे. सो दिस इज़ द पिक्चर जो कि हम हैदराबाद रामोजी में लिए थे. ये मेरे ब्रदर इन लॉ है. तो यस, दिस इज़ द पिक्चर. ये मेरे फैमिली के साथ लाइक ये मेरे पापा मम्मी माय ब्रदर. सो ये पिक्चर जो है हमने नामची में लिया था सिक्किम में. तो ये वाला जो पिक्चर आप देख रहे हो दिस इज़ ये वाला हमने लिया था द्वारका में प्रीवियस ईयर.
एंड ये वाला जो पिक्चर आप देख रहे हो इसमें मैं हूँ स्वयं देवी। मेरा हस्बैंड बोलते हैं ये देवी बैठे हुए हैं, इनको देखती हूँ जहाँ दिखता हूँ जब भी सुबह उठता हूँ। सो यस, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो दिस इज़ फ्रॉम गैंगटॉक एंड ये मेरे शादी वाला पिक्चर है। सो यस, ये वाला जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, ये वाला हम सिरडी से लाए थे, ठीक है, जब हम मुंबई गए थे। एंड दिस इज़ द पिक्चर जो कि प्योर सिल्वर है। पता नहीं ये किसी ने तो शादी में गिफ्ट किया था, विच इज़ प्योर सिल्वर। मेरे हस्बैंड बताते हैं उनका कोई फ्रेंड है और यहाँ से ना थोड़ा सा टूट गया है, तो सोच रही हूँ इसके साथ मैं कुछ करूँ, लाइक अंदर का जो सिल्वर है उसको निकाल के किसी और फ्रेम में डाल दूँ। एंड यू कैन सी यहाँ से बहुत, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेम हैं जो कि मैंने फ्लिपकार्ट अमेज़ोन से मंगवाई थी। ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला बहुत ही सुंदर सा, ये जोधपुर से आया था, लाइक मेरे हस्बैंड जब जोधपुर गए थे ये वाला फ्रेम लाए थे। सो यस, सब में से थोड़ा सा मेमोरीज है, तो इसको हम वॉल पे आज लगाएंगे। देखती हूँ किस तरीके से मैं वॉल को डेकोर करती हूँ, क्योंकि तो आ चुके हैं मिठाइयाँ। मुझे कुछ का नाम नहीं पता है लेकिन ये मुझे काफ़ी पसंद है, दिस वन। ओके, तो सोच रही हूँ ये वाला बेडशीट जो है डालूँ, क्योंकि आज बेडशीट भी चेंज करूँगी। ये थोड़ा सा ग्रीनी है, सेम इसका रेड शेड भी है दिस वन, और एक ब्लू का है। एंड ये इटा पके हुई क्या? Our bed looks like right now and it's pretty. एवरीवन, अभी ना 3 बज चुका है, अभी आपको थोड़ा बहुत फैन का जो है साउंड आ रहा होगा, बट यस फैन चल रहा है अभी। तो काम ख़त्म, यानी कि बिरयानी बन चुका है, हम खा भी चुके हैं, लाइक अभी 3 बज चुका है ना इसलिए। सो खीर अभी हो रहा है, क्योंकि वो 3-4 घंटा लग जाता है होने में, तो अभी वो आराम से होगा, उसके बाद हम खाएंगे, ऐसा कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि घर में वैसे भी बहुत सारे मिठाई आ गए हैं तो खा सकते हैं मिठाई। एंड वन मोर थिंग, आज मुझे खींचना है फोटोज़, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से फोटोज़ अपलोड नहीं करी थी इंस्टाग्राम पे। सो टुडे आई थॉट क्यों ना मैं थोड़ा सा पहन के फोटो लूँ। एंड ये वाला जो कुर्ती मैंने पहनी हुई है, दिस इज़ फ्रॉम अजियो। आई रियली लव सच काइंड ऑफ कुर्तीज़, जो कि स्लीवलेस है एंड बहुत ही लॉन्ग है, इसको जीन्स के साथ पहनने में बड़ा ही अच्छा लगता है। एंड येस, अगर आप लोग अभी बोलोगे कि कमेंट करोगे कुछ लोग कि आप दशहरा में कैसे नॉनवेज खा रहे हो, तो गाइस हमारे यहाँ ऐसा होता है कि सप्तमी अष्टमी नवमी जो होता है ना उसमें हम प्योर वेज खाते हैं, मतलब बिना प्याज वाला खाना खाते हैं। सो दशमी जो होता है ना उसमें कंपलसरी नॉनवेज खाते हैं, हमारे घर पर भी खाते हैं, तो मेरी मम्मी पापा भी खाते हैं, तो उस तरीके से हम भी खाते हैं। सो या, तो इसलिए सबके वहाँ जो है ना कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जस्ट लाइक दैट। एंड मैंने आज ना थोड़ी सी नेल पॉलिश अप्लाई करी है, यू कैन सी मैंने बहुत दिनों से, मतलब 20 डेज से ऊपर हो गया है नेल पॉलिश, नो फेक नेल्स, नथिंग, बिकॉज मैं काम कर रही हूँ एंड वीडियो बनाने के वक्त मैं सोचती हूँ कि मैं फेक नेल्स लगा लूँगी तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्योंकि नेल्स अभी थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, यू कैन सी, तो मैंने थोड़ा सा अप्लाई कर लिया। सो दिस इज़ द TS कॉस्मेटिक्स का नेल पॉलिश, विच इज़ इन द शेड स्वीट ऑसन। ये बहुत ही अच्छा शेड है, पिस्टल शेड। सो मैं अभी थोड़ा सा मेकअप लूँगी, लाइक ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये वाला जो एक दो पिंपल आ गए हैं फेस पे बहुत ज़्यादा निखर के आ रहे हैं, सो उसके वजह से मैं थोड़ा सा अप्लाई करूँगी, तो मैं ये वाला प्राइमर यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम पैक। कंसीलर के लिए मैं ये मेबलिन का फिट मी कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ एंड आप लोग देखोगे कि मैं सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे पिंपल है, ओके, इस तरफ यहाँ इतना नहीं है, ओके, थोड़ा सा डार्क सर्कल पे,
दैट्स इट। Okay, so this is how everything looks like. Okay guys, so this was the setup जहाँ पे मैं कर रही थी photo shoot, मतलब this space. So रात हो चुका है, आप देख सकते हो मैंने dress वगैरह change कर लिया. Actually तब photo shoot करके हम सो गए थे and थोड़ा सा ही सो गए थे and उसके बाद आयांस के साथ खेलने लग गए and उसके बाद इनके कुछ friends जो है वो घर पे खाना वगैरह लेके आए थे, जैसे कि हम लोग उनके घर में भेजे थे तो वो भी हमारे घर में कुछ ना कुछ भेजे थे. तो रात को मैंने कुछ भी कुकिंग वगैरह नहीं करी है, लाइक आज डिनर नहीं बना है. लाइक सुबह का कुछ था खाना, लाइक खीर वगैरह तो ऑलरेडी था एंड उन लोगों ने भी कुछ भेजा था. सो वो सब कुछ मिला के हम लोगों ने डिनर कर लिया है. तो आज रात को मुझे बिल्कुल भी काम नहीं पड़ा एंड बर्तन वगैरह जो है वो सब कुछ ख़त्म एंड अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा जाके सो जाऊँ, क्योंकि आयांस ना आज जल्दी सो गया, पता नहीं क्यों, कि आई थिंक इसलिए क्योंकि वो दिन भर बहुत ही खेला है, बहुत ही टायर्ड हो गया है इसलिए बहुत जल्द सो गया है. नहीं तो नॉर्मली वो 4:30 बजे देता है, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को पहले. तो आज वो बहुत जल्दी सो गया है, मतलब अभी सिर्फ 10 बजा है एंड अभी से वो सो गया है. सो हम सोच रहे हैं कि जितना टाइम वो सो रहा है हम भी सो जाएं, क्यों टाइम वेस्ट करना, क्योंकि अगर वो एक बार उठ गया ना बैंड बज जाएगा. सो यस, आप लोग मुझे देखते होंगे कि मैं यहीं पे बैठ के ज़्यादातर शूट कर रही हूँ, क्योंकि बेडरूम में जो है आयांस सोता रहता है तो मैं उस टाइम उसको जो है डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ. एंड यहाँ पे एक्चुअली मेरी जो स्टूडियो है ना, यहाँ पे मैं शूटिंग वूटिंग करती हूँ, यू कैन सी सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है तो मुझे ईजी होता है यहाँ पे बैठ के आप लोगों से बात करने का. एंड मेन रूम में जो है ना अभी थोड़ा सा बहुत ही मेश होके रखा है, इसलिए मैं उस रूम में नहीं जा रही हूँ जो एंट्री रूम है ना उस रूम में, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो वगैरह आज मैंने सोचा था कि आज लग जाएगा लेकिन आज नहीं लगा, क्योंकि दसवीं की वजह से कोई नहीं आया घर में, तो वो सब कुछ पड़ा हुआ है बहुत ही मेस से घर में. तो वो सब कुछ हो जाए ना एक बार तो थोड़ा मुझे फ्री हो जाएगा, मैं इधर उधर घूम के आराम से ब्लॉग बना पाऊँगी. एंड ब्लॉग बहुत ही जल्दी आने वाला है, लाइक मुझे ब्लॉग बनाने में अभी बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई मैं इसको एन्जॉय कर रही हूँ. जितना मैं मेकअप को एन्जॉय कर रही हूँ ना उतना ही मैं ब्लॉगिंग को एन्जॉय कर रही हूँ. सो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे. सो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए और एक ब्लॉग बनाऊँ एंड यू गाइज विल लव दैट ब्लॉग. मुझे पता नहीं है कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग जो है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा. सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड एंड कल से ही वो ब्लॉग बनाना मैं स्टार्ट कर दूंगी. विद दैट आई हैव सम ब्रांड कोला वीडियोज एंड उन लोगों ने ऑलरेडी प्रोडक्ट सेंड कर दिया है, तो मुझे मैसेज भी आ चुका है आप कब वीडियो सेंड कर रहे हो. सो मुझे उसके लिए भी थोड़ा बहुत जो है प्रिपेरेशन करना है, क्योंकि वो ब्रांड कोला में क्या होता है ना, आपको एकदम लिखना पड़ता है कि आपको ये बोलना चाहिए, वो बोलना चाहिए, मेकअप वो बोलते हैं मेकअप ज़्यादा नहीं लेना होता है एंड क्लैरिटी अच्छा होना चाहिए एंड ऑल. सो बहुत सारी चीज़ों पे जो है ध्यान देना पड़ता है. उस बारे में मैं एक डिफरेंट सा ब्लॉग बनाऊंगी ना, आप लोगों के साथ बात करूंगी कि मैं क्या क्या फेस करती हूँ ये जो कोला ऐप स्पॉन्सरशिप इनके ऊपर, मैं आप लोगों के साथ एक स्पेशली वीडियो में बात करूंगी. सो फॉर टुडेज ब्लॉग दैट्स इट, मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कंटेंट. टिल देन बाय.